गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. गुड मॉर्निंग. आज की डेट क्या है? 9 तारीख. बच्चों, आज आपसे मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी. अगर आपको इनके उत्तर पता होंगे तो अपने हाथ खड़ा करिएगा. किसी को भी सामूहिक रूप से उत्तर नहीं देना है. उत्तर हमेशा व्यक्तिगत रूप से दीजिएगा. जी. आर्थिक दृष्टिकोण से कर, कारखाने, उद्योग, कृषि, संचार और परिवहन किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत. जी हाँ, ये सभी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं. बहुत अच्छे बैठ जाइए. अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था वह है जिसके अंतर्गत लोगों को रोजगार प्राप्त होता है. वेरी गुड. सिट डाउन. अर्थव्यवस्था वह है जिसके अंतर्गत लोगों को रोजगार प्राप्त होते हैं. अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? छात्रों, आज हम अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे. यहाँ पे अर्थ से तात्पर्य धन से है. अब हम पढ़ते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होता है. अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है. इसमें उपभोग, उत्पादन, निवेश, ये सब अर्थव्यवस्था की आधारभूत गतिविधियाँ हैं. ठीक है. स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है. पहला है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था. तीसरा आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था. अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं बच्चों? जिससे रोजगार. जी हाँ, अर्थव्यवस्था से रोजगार प्राप्त होता है. इसमें सभी आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है. स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में. जी हाँ, स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है. सबसे पहला भाग आता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था. पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का निजी स्वामित्व होता है. इसमें जो भी लाभ होता है वो व्यक्ति का स्वयं होता है. ठीक है.
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि लाभ कमाना, ठीक, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसका समय तो होता है जी। स्वयं का स्वामित्व होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा नाम हमारा समाजवादी अर्थव्यवस्था। सरकारी दोनों क्षेत्रों का स्वामित्व होता है। इसमें उत्पादन का जो कार्य होता है वो निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों के हाथ में होता है। इसका जो समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन और वस्तुओं का जो समाजवादी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं का वस्तु सेवाओं का उत्पादन जन कल्याण के लिए होता है। इसे साम्यवादी या जनवादी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी और सरकारी दोनों क्षेत्र का स्वामित्व होता है। ये बताइए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? मैंने पढ़ा जिसमें स्वयं का अधिकार होता है। जी हाँ, जिसमें स्वयं का अधिकार होता है, स्वयं का अधिपत्य होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था को साम्यवादी या जनवादी अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों मिलकर कार्य करते हैं। इसमें जो भी लाभ या हानि होता है वो सरकार और व्यक्ति दोनों के ऊपर बराबर बराबर का होता है, ठीक है। इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था
पूंजीवाद और समाजवाद दोनों क्षेत्र मिलकर कार्य करते हैं, ठीक है। इसके पीछे का जो लाभ, इसके पीछे समाज कल्याण की भावना छुपी होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था को दोहरी अर्थव्यवस्था, और नियंत्रित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ बहुत ज्यादा प्रश्न पूछूंगी, उसका उत्तर दीजिए आप लोग। यस मैम, मिटा दी।
यस मैम। नहीं यस मैम लिख चुके हैं। बच्चों आप मेरी क्लास में आओगे? थैंक यू मैम।